जब भी आपको आना है नदी के किनारे, आपको लेना है होटल, तो साधुपुर आना, चैल मत आना। ये देखो गाइस, ये जा रही है नदी और ये कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना गाड़ी में बूफर चला करके। और जो होटल है वो इस तरफ की ओर है, ये कैंपिंग टाइप से होटल है, छोटे छोटे कैंटीन वगैरह भी है इधर। और ये है होटल जी, ये लोग एंजॉय कर रहे अपना डांस। तो अभी देखते हैं रूम, रेस्ट करेंगे, काफ़ी थके हुए हैं, हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल, पानी भी नहीं था साथ में, एंड काफ़ी पानी तो क्या, इससे ज़्यादा तो पसीना निकल गया था जितना पानी भी नहीं पिया था, तो हालत तो ख़राब होनी थी। मेरा भी वैसे मूड सा उफ हो गया था, काफ़ी ख़राब सा लग रहा था मूड, जिस वो भी ट्रैकिंग की वजह से ही हुआ था, क्योंकि पानी था नहीं साथ में पीने के लिए, इतना दो बोतल थी वो ख़त्म हो गई थी, और चलना था 7 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। अभी बस में थोड़ा सा रेस्ट हुआ उतरने के बाद, थोड़ी देर बैठे, फिर अपना अभी लेते हैं रूम, फिर अपना रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड कल हम साधुपुर आए थे तो इधर का व्यू नहीं दिखा पाए थे, शाम को आए थे, तो इसलिए फिर अपना रूम वगैरह लेने में थोड़ा टाइम चला गया था, और फिर थके भी हुए थे, तो इसलिए रेस्ट करने के लिए अपना थोड़ी देर रूम में बैठ गए थे। फिर उसके बाद डिनर वगैरह किया, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह किया था, तो आज इधर साधुपुर का आपको व्यू दिखाएंगे। तो अभी मॉर्निंग में काफ़ी ख़तरनाक नज़ारा मिलने वाला है इधर का। ये देख लो यार, निकल ही नहीं रहे रूम से। पहले सीन ऐसे हुआ कि मॉर्निंग में अलार्म लगाया था कि जल्दी उठ के अपना आराम से देख लेगी व्यू वगैरह, पर सीन ऐसा हुआ कि थकान इतनी ज़्यादा हो रखी थी तो थोड़ा लेट हो गया। अभी टाइम हो रखा है, अभी टाइम हुआ है 7 AM, तो अपना निकल पड़े घूमने के लिए, इधर के नज़ारे लेने, तो व्यू चेक करो। पता है इधर हमने अपना होटल लिया था, ये वो लास्ट वाला पीछे वाला रूम दिख रहा है ना इधर को, वो हमारा रूम था। तो ये अब आपको दिखाते हैं नज़ारे। मैं अपना इंजॉय करने के लिए, रात को सीन ऐसा था कि इधर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, लोग अपनी गाड़ी में गाने चलाकर अपना नाच रहे थे, कुछ तो ऐसे लोग भी थे कि अपना नदी के अंदर ही नहा रहे थे रात के टाइम भी इतनी ठंड में, इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बिना रजाई के तो सोया भी नहीं जाता इधर, ठंड काफ़ी है इधर। और मैंने वीडियो भी देखी थी 2 वीक पहले की, एक यूट्यूब पर डाल रखी थी किसी ने, तो स्नोफॉल भी हुआ था इधर शायद, बाकी पता नहीं, अगर जिसको पता है स्नोफॉल हुआ था थोड़ा सा तो वो बता देना मुझे कमेंट में। तो इधर सीन ऐसा ही चलता है, देखो ये अपना साइड में टेबल वगैरह रखी हुई है, और कैंपिंग वगैरह के लिए कैंप डले हुए हैं साइड में, जो कि रेंट पे मिल जाते हैं। जो हमारा रूम था ये वाला, ये हमें पड़ा रूम 1500 रुपये में पड़ा था, 1500 में अपना 4 बंदों को एक ही रूम में एडजस्ट करवा दिया था, ग्राउंड बेड भी लगवा दिया था साथ में, तो सही अपना काफ़ी रूम का कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है। उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में 1800 रुपये बोला था रूम का, फिर फाइनल करके उन्होंने 1500 में दे दिया था रूम। तो ये देखो सामने जो दिख रहा है आपको, ये कैंपिंग वगैरह के लिए भी है, और अपना जो
रूम टाइप में लेना तो रूम टाइप में भी मिल जाता है। तो इधर एंजॉय ज़्यादातर एंजॉय ये करने नहीं आते हैं, अपना रात को पार्टी वगैरह करी फुल मजे लिए, अपना वोडका वगैरह ड्रिंक कर रहे फुल मजे से। ये देख लो इधर भी होटल वगैरह है, जो होटल वगैरह इनका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आपको मैक्सिमम 2,000 तक का रूम मिलेगा, मैक्सिमम 2,000, शायद 2,000 तक का ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिर 2,500 तक का होगा, या फिर स्टार्टिंग अपना बेसिक से ले रहे हो तो 500 तक का भी रूम मिल जाएगा इधर। ये छोटा जो है मैक्सिमम 2,500 या 2,000, और स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रूम चाहिए, थोड़ा क्वालिटी भी चाहिए या फिर बेड वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखे, तो उसके हिसाब से वो कॉस्ट पड़ती है रूम की। जैसा कि मैं कह रहा था अपना रूम भी दिखा दूंगा जो हमने लिया है। तो ये है ब्रेव हार्ट एडवेंचर इन, तो काफ़ी अच्छा रूम है इनका। अगर जब भी आपका इधर का टूर लगता है तो आप इधर ट्राई करना अपना रूम लेने के लिए। अभी जो सीन है जो हमने लिया था वो तो 1,500 का था, तो आप जिस टाइम पे आ रहे हो उस टाइम पे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से देख लेना इनका। ये देखो इधर रूम वगैरह है, और इधर अपना बैठ के खाने के लिए, और साथ में जो एडवेंचर करने के लिए, ये अभी चालू नहीं है, और कैंप वगैरह भी लगा हुआ है इनका, अगर कैंप लेना चाहते हो तो ये देख लो, काफ़ी बेस्ट है ऑप्शन अगर आप आ रहे हो तो। तो रेट का कंफर्म कर लेना उस टाइम पे क्या है, पर ट्राई करना इधर बेस्ट है। तो रूम दिखा देता हूँ मैं आपको चल के अपना रूम में, काफ़ी अच्छा सीन है इधर का, और खाने पीने का भी सब एक नंबर बेस्ट है सब कुछ। अगर कुछ भी आप ले रहे हो खाने के लिए तो क्वालिटी मिलेगी, टेस्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ अभी, ये देखो ये रूम ले रखे हैं हमने इधर। तो अंदर चल रहा है अभी, भाई लोग ना नू रहे अपना तैयारी कर रहे हैं जाने की। ये देखो गाइस ये रूम है, काफ़ी बेस्ट है, ये देख लो रूम, ये अपना चलने की तैयारी, बैग पैक हो गई अपने। ये देख लो बाथरूम भी मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ज़रूरी है अगर आप आ रहे हो तो आपको लेना है रूम वगैरह। तो ये चेक करो, ये बाथरूम है, इंग्लिश सीट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम बेस्ट है। ये देखो रूम का बेड वगैरह भी ठीक है, जैसे कि आप बेड चेक कर रहे हो किंग साइज बेड है, दो गद्दे प्रोवाइड कर दिए थे इधर, अपना आराम से सोए, कंबल भी साथ में मिल गए थे, तो काफ़ी सही है यार। 1,500 के अंदर तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कहीं आपको रूम मिलेगा ऐसा, क्योंकि शिमला वगैरह देखते हैं तो उधर 4,000 से रूम नीचे मिलता नहीं है, 4,000 3,000 ऐसे ही, और जो 1,500 की रेंज में रूम मिलता है वो काफ़ी डाउन रेंज में चला जाता है, और फिर उस हिसाब से रूम देख लो इतना अच्छा मिलता भी नहीं है। ये देखो भी, और ये अपना इधर बैठ के खाने के लिए, तो किचन वगैरह इनका खुद का है, तो ये खाने पीने का प्रोवाइड कर देते हैं सब कुछ, ऑल ओवर मिल जाता है, स्नैक्स वगैरह अपना फास्ट फूड, और डिनर ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ। रूम कर दिया हमने चेकआउट, तो अभी जा रहे हैं चहल की तरफ, बाय बाय साधुपुल, काफ़ी अच्छा मज़ा आया इधर, काफ़ी बेस्ट लोकेशन है। तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि चहल का जो प्रोग्राम बना हुआ था जाने के लिए वो हो गया कैंसिल, वो भी जाएगी सीधा टॉय ट्रेन ले गई इधर से, और अपना चले गए घर। तो चहल दिखेगा कभी नेक्स्ट टाइम, अगर मिलता है टाइम तो फिर निकल जाएगी चहल भी। इधर एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इधर का ट्रिप बना सके, काफ़ी दूर नहीं पड़ता और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगने वाली है, मतलब मीडियम मीडियम रेंज में सब कुछ सेट हो जाएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो गाइस इधर दुकानें वगैरह जो ज़मीनें देते हैं तो ऐसे तोड़ तोड़ कर पहाड़ काट के फिर दुकानें वगैरह बनानी पड़ती है, घर दुकानें बनाने के लिए, कितना रिस्की है।